हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज हिमांशु बोरा। आज हमारा वर्कआउट जो होगा वो होगा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का। हमारी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल जो होती है वो होती है छोटी मसल, जिसकी वजह से उसमें हमारा वर्कआउट भी कम होता है। सो आज के वर्कआउट में हमारे पास है 3 स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज एंड 2 ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की एक्सरसाइज। सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग से। हमारी पहली स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में पहले आप अपना लेफ्ट आर्म लीजिए एंड उसे अपने राइट आर्म की तरफ ले जाइए एंड देन अपने राइट आर्म का यूज़ करते हुए उसे अपने चेस्ट की तरफ पुश करिए, तब तक जब तक आपको अपने शोल्डर पर हल्का सा स्ट्रेच फील ना हो एंड देन उस पोजिशन को 15-20 सेकेंड होल्ड करिए। सेम चीज़ आप रिपीट करिए अपने राइट आर्म के लिए, उसको लेफ्ट आर्म की साइड ले जाइए एंड शोल्डर पर स्ट्रेच आने पर पोजिशन को होल्ड करिए। ध्यान रखिएगा कि आपका स्ट्रेच्ड आर्म आपके शोल्डर लेंथ से ऊपर ना जाए। नेक्स्ट है चेस्ट स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथ बैक में ले जाने हैं एंड उनको लॉक कर देना है एंड उसके बाद अपनी बैक स्ट्रेट रखते हुए स्लोली आर्म को ऊपर की तरफ पुश करना है, तब तक जब तक आपको अपने आर्म्स एंड चेस्ट में स्ट्रेच फील ना हो। इस पोजीशन को 20-30 सेकंड होल्ड करिए एंड इनको 3 रिपीट करिए। सो नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ओवरहेड ट्राइसेप स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में हो सकती है। इस एक्सरसाइज में पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड रेज करके फोरहेड के पीछे ले जाना है एंड उसे शोल्डर ब्लेड्स तक स्ट्रेच करना है। उसके बाद अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को स्लोली नीचे को पुश करिए, जब तक आपको अपने आर्म एंड शोल्डर में हल्का सा स्ट्रेच फील नहीं होता। सेम चीज़ रिपीट करिए अपने राइट हैंड के लिए, उसको अपने फोरहेड के पीछे ले जाइए एंड शोल्डर ब्लेड तक स्ट्रेच करिए एंड देन उसको अपने लेफ्ट हैंड से डाउनवर्ड पुश करिए, जब तक आप अपने शोल्डर और आर्म में स्ट्रेच फील नहीं करते एंड सेम पोजीशन को होल्ड करिए फॉर 20-30 सेकेंड्स। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखिए कि जो आपके बाइसेप्स हैं वो आपके एस के जितना क्लोज रहेंगी आपके ट्राइसेप्स में उतना अच्छा स्ट्रेच आएगा। सो हमारी पहली एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल्स। इसके लिए हमें कुछ वेट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने 2 वाटर बॉटल्स का यूज़ करा है। ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसका वेट सेम हो। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए दोनों वाटर बॉटल्स को अपने हाथ में पकड़ें एंड उनको साइड ले जाकर स्ट्रेट होल्ड करें। फिर अपनी एल्बोज को बॉडी के क्लोज रखते हुए अपने फोर आर्म्स को स्लोली ऊपर को कर्ल। फोर आर्म्स को नीचे लाते टाइम हैंड को फुल स्ट्रेट ना करें, उससे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी एंड एक्सरसाइज का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। सेकेंडली, ये भी ध्यान रखें कि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट हो, स्पेशली योर बैक। इस एक्सरसाइज को 3 सेट्स में करें विद 15-20 रेपिटेशंस इन ईच सेट। ये एक्सरसाइज को आप जितना स्लो करेंगे आपकी मसल्स पर उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। इसमें भी आपको बॉटल का यूज़ करना होगा। इस एक्सरसाइज में आपको थाइस को अपने शोल्डर के सामने प्लेस करना होगा एंड अपने अपर आर्म को इनर थाइस के सपोर्ट में रखते हुए अपने फोर आर्म से बॉटल को कर्ल करना होगा विथ मिनिमम मूवमेंट इन द अपर बॉडी। ये एक्सरसाइज से आपकी बाइसेप्स में बहुत ज़्यादा टेंशन आएगा, जिससे आपका मसल बिल्डअप बहुत तेज़ होगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 3 सेट में करेंगे विद 10-20 रेपिटेशंस इन ईच सेट। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉस बेंच डिप्स। इस एक्सरसाइज के लिए आपको 2 बेसिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको सिटिंग पोजीशन में अपने थाइस के बगल में अपने हाथ रखने होंगे एंड देन फ्रंट में अपने लेग लेंथ के हिसाब से बेस सेट करना होगा एंड फिर उसके बाद आपको दोनों लेग को वहाँ रेस्ट करना होगा। फिर अपनी एल्बोज को पीछे पुश करते हुए अपनी अपर बॉडी को नीचे पुश करना, तब तक जब तक आपका अपर आर्म एंड आपका फोर आर्म ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ 90° एंगल ना बना दे। उसके बाद अपना पोस्चर मेंटेन करते हुए वापस बॉडी को ऊपर पुश करें, जिससे आपका अपर आर्म और फोर आर्म फिर से स्ट्रेट लाइन में आ जाए। इस एक्सरसाइज को 15-20 टाइम्स करें और इसको 3 रेप्स में रिपीट करें। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बेसिक पुशअप एक्सरसाइज का ही एक वेरिएशन है, जिसमें सेम पोस्चर रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज इस एक्सरसाइज में आपको अपने आर्म को नीचे लाते टाइम एल्बो को बॉडी के क्लोज रखते हुए ले जाना है, जिससे आपका शोल्डर एंड अपर आर्म का फोर आर्म के साथ 90° एंगल बने एंड सेम फॉर्म मेंटेन करते हुए वापस ऊपर को पुश करना है। इस एक्सरसाइज में भी आपको 3 सेट करने हैं एंड हर सेट में आपको 10-15 रेपिटेशन करने होंगे।